विजय जी, अब आपके पास आखिर में आऊंगा। आप तो लखनऊ में बैठे हुए, काफी सरगर्मी होगी। पहले तो ये बताइए कि थावरचंद गहलोत के इस कथन के बाद राज्यसभा में सदन के पटल पर योगी सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देने के बाद लखनऊ के गलियारों में क्या माहौल है? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की तरफ से इस पर उत्तर प्रदेश से बात करने में भी लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं, क्योंकि एक सांप सूंघना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि एक निश्चित तौर पर ये एक उनके लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है। और जिस तरीके से सदन के पटल में उनकी सरकार के उनके ही मंत्री ने कर दिया, और ये क्या गफलत क्या हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, और अब इसके बाद आपको लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे थावरचंद गहलोत के बयान के बाद यहाँ सत्ता के गलियारे में बहुत बेचैनी है। लेकिन तमाम जो चर्चाएं अभी तक हुई हैं उसमें एक बात मिसिंग है कि ये जो ऑर्डर जारी किया सरकार ने 24 जून को, ये हाईकोर्ट का एक आदेश है, वो है 29 मार्च 2019 का। उस आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि मझवारा जाति को आप सर्टिफिकेट जारी करिए, तो उसको आधार बना के इन्होंने, सरकार का अपना फैसला नहीं है बल्कि हाईकोर्ट के फैसले पर, हाईकोर्ट के आदेश पर जो इंट्रीम ऑर्डर है, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी सर्टिफिकेट जारी होंगे वो हमारे फाइनल ऑर्डर से कवर्ड होंगे, तो वो उसके आधार पे इन्होंने किया है। और आप ये समझ सकते हैं कि सरकार सीधे तौर पे इसमें ये कह सकती है कि हमने कोर्ट के आदेश को का पालन किया। अब अगर सरकार कोर्ट के आदेश का पालन न करे तब एक संवैधानिक स्थिति पैदा होती है। दूसरी बात, ये मामला जो राजनाथ जी के ज़माने में अति पिछड़े अति दलितों के कोटे से कोटा अलग करने का मुद्दा था, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जी जी, उसमें था कि पिछड़ी जात के 27% और दलितों के 21% कोटे को अति दलित अति पिछड़ों में डिवाइड किया जाए, क्योंकि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। कुछ बड़ी जातियां जो अति पिछड़ी और कुछ पिछड़ी जातियां और कुछ अनुसूचित जातियां पूरा लाभ ले ले रही उसका, बाकी लोग वंचित हो जा रहे हैं, वो इशू अलग था। ये इशू है 17 जातियों का, जिसमें ज्यादातर निषाद, मल्लाह, केवट, धीमर, इस तरह से ढेर सारी उसमें 17 जातियां हैं। इन जातियों को कभी ऐसा कहा जाता है कि भाई मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं कि 1961 के सेंसस में इन जातियों को शेड्यूल कास्ट की सूची में रखा गया था, उसके बाद हटा दिया गया। और यहाँ पे एक आंदोलन लंबे समय से चल रहा है कि भाई हम जो 15% करीब हैं, हम चूंकि पहले अनुसूचित जाति की सूची में थे, हमको वहां से हटा के हमारा सर्टिफिकेट रोक दिया गया, तो ये जो हमको फिर से उसका हक मिलना चाहिए। अब इसमें दो सवाल बहुत बड़े हैं राजकिशोर जी। पहला सवाल ये है कि ये जो 15% करीब जातियां हैं, 13-15% इनकी आबादी है, इन जातियों को अगर पिछड़ी जात से हटाया जाएगा और शेड्यूल कास्ट में बाद में मान लेते हैं केंद्र सरकार करेगी रखा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में जो एससी एसटी की आबादी है 21.5% से बढ़कर करीब 36% हो जाएगी, तो इनका इनका कोटा भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, और पिछड़े में उतना कोटा कम करना पड़ेगा। तो ये बहुत टेक्निकल मामला है, इसमें बहुत विवाद की गुंजाइश भी है। लेकिन अगर आप, चूंकि दलितों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, 21% उत्तर प्रदेश में आबादी है, 21.5% उनको उनकी आबादी है, उतना उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो ये एक बहुत ही विवादित इशू है। और सरकार ने इसमें निश्चित तौर पर लीगल ओपिनियन ली होगी, अपने विभाग से बात किया होगा, तब इसके बाद ये फैसला हुआ है। ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ये कोर्ट के आदेश के तहत है, तो इसलिए योगी सरकार के पास बचाव का एक, शायद अब ये इनपुट देंगे थावरचंद जी को कि हमने ये फैसला क्यों लिया, किस आधार पर लिया। और इसके पहले की जिन सरकारों ने लिया, उन्होंने वो सरकार का फैसला था, चाहे मुलायम सिंह का फैसला हो और चाहे अखिलेश यादव जी का फैसला हो। और मुलायम सिंह जी के फैसले को तो कोर्ट में ऐसा कहा जाता है कुछ बसपा समर्थक वकील थे, वही ले जाके चैलेंज किया और वहां से उन्होंने उसको स्टे करवाया, और स्टे होना भी था क्योंकि ये मामला प्रदेश का है ही नहीं। लेकिन अगर हाई कोर्ट इंटरवीन करके कोई ऑर्डर देता है तब की स्थिति पे निश्चित तौर पे बहस हो सकती है। देखिए विजय जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाई कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट के आदेश पर आगे बढ़ते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया। लेकिन जिस आप लीगल ओपिनियन की बात कर रहे हैं, और एक बात है कि इसके पीछे जब भी कोई मुद्दा कोर्ट के सामने जाता है तो अदालत पहले तो सबूत मांगती है कि आखिर आपने कौन सा सर्वेक्षण किया, ऐसा कौन सा सर्वे है जो ये साबित करता है कि इस अमुक जाति की ये स्थिति है, ये इसकी आर्थिक स्थिति है, ये सामाजिक स्थिति है, इस तरीके का सर्वेक्षण क्या किया गया? और ये फैसला तुरंत इसी समय आनन फानन में जल्दबाजी में क्यों लिया गया? इसकी टाइमिंग पर तो सवाल होंगे ही, और वैसे भी राज्य सरकार का प्रस्ताव संसद में रखा जा सकता है, फिर जिसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग जब अपनी संस्तुति देगा उसके बाद इसको लागू किया जा सकता है।